आ रही है, कितनी एक्साइटमेंट है? कोई नहीं, मुझे तो लग ही नहीं रही है। शक्ल से भी नहीं खेलने लग रही। क्या हुआ है, क्या मसला? मसला ये है कि किसी ने अभी तक शॉपिंग नहीं करवाई, किसी को एहसास ही नहीं मेरा हो रहा कि हमारा को कुछ। मैंने सबको करवा दी, जो मेरे करीबी दोस्त वगैरह थे मैंने सबको दे दिया। मेरा किसी ने इतनी नहीं आ रही, इतनी नहीं आ रही। कोई सोच ना, कुछ ससुराल वाले होते तो कहीं वहाँ से आ जाते, कहीं से भी नहीं आ रही। अज मैं इतने बुढ़ी की शॉपिंग करन आया, उन चीज़ा ही नहीं मुकदियाँ पी। पहले मैंने लैन भेजते थे दो सूट दर्जी को, दर्जी ने मैंने दो दिन तो जलील कर दिता है। इन्हों के स्यापे ही नहीं मुकते है, पता नहीं मैं पागल हो गया। मेरे हिसाब से बुढ़िया होनी नहीं चाहिए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट अमनादल एंड यू आर वाचिंग डेली धरती विद मी। व्यूअर्स, आज हम आए हैं मार्केट में और ईद की शॉपिंग के लिए बेहद रश हमें नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मैं कैमरे के पीछे भी देख सकती हूँ, बेहद 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 रश है। लोग बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे ईद की कितनी एक्साइटमेंट है और आखिर कितनी शॉपिंग कर ली गई है, कौन विंडो शॉपिंग करने के लिए आया, बहुत सारी बातें करेंगे मजे मजे की। अगर आपको शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नेम? मेरा बाइकर। मेरा, मुझे ये बताएं कि ईद आ रही है, कितनी एक्साइटमेंट है? कोई नहीं, मुझे तो लग ही नहीं रही। शक्ल से भी नहीं खेलने लग रही। क्या हुआ है, क्या मसला? मसला ये है कि किसी ने अभी तक शॉपिंग नहीं करवाई, किसी को एहसास ही नहीं मेरा हो रहा कि हमारा को कुछ। मैंने सबको करवा दी, जो मेरे करीबी दोस्त वगैरह थे मैंने सबको दे दिया। मेरा किसी ने इतनी नहीं आ रही, इतनी नहीं आ रही। कोई सोच ना, कुछ ससुराल वाले होते तो कहीं वहाँ से आ जाते, कहीं से भी नहीं आ रही। किसी भी नहीं आ रही, मतलब कि शदीद सिंगल लोग हैं। शदीद सिंगल लोग हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा खुद से शॉपिंग करने का कोई प्लान है या किसी और की जिद सी करनी? इसलिए तो अभी तक की नहीं है ना, मैं कह रही हूँ खुद से ना करनी पड़े, कोई करवा, पैसे ना अपने ना ही लगे। मेरे भी सेम ही ख्याल होता है, मेरा भी अपने पैसों पे ना सांप बन के बैठ जाना, सांप बन के बैठ जाना। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा मार्केट में करने आप आई हैं, क्या लग रहा है, कितनी एक्साइटमेंट नजर आ रही है आपको लोगों की ईद के बारे में? क्या देखिए, अपना देख के तो इतना नहीं हो रहा, लोगों को देख के खुशी हो रही है कि पता चल रहा है कि ईद है। आज के दिन ज़्यादा पता चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा रश है, हर जगह कहीं भी देखते हैं तो रश 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 रश, तो देख के खुशी हो रही है। अब अपनी तो इतनी नहीं फील हो रही, कोई शॉपिंग करवा दो तो हो जाएगी। शॉपिंग? अच्छा मुझे कह रही हूँ कोई करवा, अच्छा मुझे करवा दो या फिर हमारे ऑडियंस से कोई भी मेरा को शॉपिंग करवा दे, क्योंकि मेरा को कोई शॉपिंग नहीं करवा रहा, नहीं करवा रहा। बिल्कुल सही है। मेरा मुझे ये बताए, ईद आ रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी आवाम को, हमारे लोगों को? यही मैसेज देना चाहूंगी, जिन्होंने अभी तक किसी को शॉपिंग नहीं ना करवाई, शॉपिंग करवा दो। थैंक यू सो मच। हमारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? आमिर। आमिर, क्या करते हैं, क्या करने आए? मैं वेला रहना जी। किन्ना को वेला? बहुत ज्यादा वेला, बहुत ज्यादा वेला। वेले बंदे टाइम काट के आज इत्थे की करन आए? अज मैं इत्थे बुढ़ी दी शॉपिंग करन आया, उन्दियां चीजां ही नहीं मुकदियां पईआं। पहले मैंने लैन भेजते थे दो सूट दर्जी को, दर्जी ने मैंने दो दिन तो जलील कर दिता है। इन्हों के स्यापे ही नहीं मुकते है, पता नहीं मैं पागल हो गया। मेरे हिसाब से बुढ़िया होनी नहीं चाहिए। अच्छा ये बताए, कितना खर्चा करा दिए बेगम? हूं तक मेरा 30-35 हज़ार लग गया है, हजे ईद आने कोई 5-7 दिन है, तो 5-7 दिनों कोई 10-15 हज़ार होर लग जाने। हजे जुत्ती लैनी है, लिपस्टिकां लैनिया ने, बहुत समान लैना है। हाँ हजे पार्लर छड के आओ, लैके आओ, मैनू नहीं समझ आती। मुझे ये बताओ कि आपको कितनी एक्साइटमेंट है ईद की, कितनी को खुशी है? मैनू तो खुशी जरा भी नहीं है, मैनू तो बेगम ने इतना कि खुश करता है, मैं नहा सकना ना रो सकना। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। हाँ हम सताए हुए हैं बस। अच्छा मुझे ये बताओ, ईद आ रही है, ईद के दिन में ईद बहुत मुबारक दिन होता है, ठीक है, खुशियाँ होती हैं, मीठी ईद है, क्या मैसेज देना चाहोगे हमारी आवाम को, हमारे लोगों को ईद पे? कम खर्चा किया करें? नहीं, वो कम खर्चा क्या किया करें, वो बुढ़िया तरीके ना कढ़ा ही लेंदियां ने। कम खर्चे वाली गल तो झूठ हैगी है, तो फिर रोटी नहीं लभदी। हाँ रोटी नहीं लभदी हैगी, गुस्से च फिर उन्हें है कि सुकी रोटी अगे रख देनी है, पानी गर्म रख देना, जिसे ठंडे की प्यास गर्म आ गया, चाह ठंडी रखती, वो फिर सारा खर्चा भाई करना पैंदा है। हाँ हिसाब नहीं लगता है, फिर जरा ना मिलजुल के जरा कर लो, ये चंगी लग जाएगी। आप कॉम्प्रोमाइज करें कुछ हम करें? हाँ नहीं नहीं, बंदी ज्यादा कर देने, जेब वेली हुई भी हूं, बिल्कुल ही जड़ा ना हाथ माड़े हुए, बहुत तंग आसी कसमें, बंदा छड़ा ही चंगा है। अच्छा सर मुझे ये बताओ कि ईद की शॉपिंग कर ली है? बिल्कुल नहीं की। क्यों नहीं? ईद की ईद सर पे है, ईद की आमद आमद है, खुशियां है, मीठी ईद है, इतनी ज्यादा खुशियां लेके आती है, तो क्यों अभी तक शॉपिंग क्यों नहीं मिली, इतनी मोटिवेशन नहीं मिली, कोई साथ या सैलरी नहीं मिली? कोई साथ नहीं है, अकेला पन बंदा क्या क्या शॉपिंग करे, एक शदीद सिंगल इंसान शॉपिंग करके दिखाए किसको दिखाए? उसने कहा है कि मैं कपड़े बदल के जाऊँ, कहा मैं बाल बनाऊँ किसके लिए, तो मैं किसके लिए मतलब शॉपिंग करूँ, मैं किसको दिखाऊँ, अकेला बंदा सिंगल किसके लिए?
शॉपिंग। मुझे ये बताओ घर वालों में शॉपिंग का ईद का कितना क्रेज नजर आ रहा है? ऐसा खास नहीं है और मैंने भी ईद के लिए स्पेसिफिक कभी कोई खास शॉपिंग नहीं की। जब भी जो है वो जब कोई मिलेगा दिखाने के लिए तब करूँगा। नहीं ये बात भी काफी आपकी वैलिड है और जब कभी जो है वो वैसे ही रैंडमली जाके बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं लेकिन स्पेसिफिकली ईद के लिए कमी की है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ईद आने वाली है, रमजान हमारा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम? बिल्कुल रमजान आ गया है तो जैसे हम लोग इस मंथ में थोड़े से मुसलमान हो जाते हैं थोड़े से या थोड़ी सी शैतान को बंद कर देते हैं तो थोड़ा सा इसका 5-10% अगर हम इम्प्लीमेंट करें बाकी 11 महीनों में भी तो हमारे मुल्क में काफ़ी बेहतरी की फिजा कायम हो सकती है। अच्छा ये बताओ क्या करने आए हो? मैं इधर घूमने फिरने आया। घूमने फिरने आए लिबर्टी में? क्या करने आए हो लिबर्टी में? क्या करने आता है एक लड़का? क्या करने आता है ये तो ये बताओ शॉपिंग ईद की कैसी जा रही? शॉपिंग बेहतरीन जा रही है, वो मामा अपनी मर्जी से करती है, उन्होंने उधर ही कर ली हुई है। अच्छा, आपने नहीं? नहीं मैं बस शूज वगैरह पसंद करता हूँ, बाकी उनकी पसंद करता हूँ, लेता नहीं। नहीं नहीं लेता भी हूँ लेकिन अपनी मर्जी से सिर्फ शूज लेता हूँ और बाकी ड्रेस। ये बताओ ईदी ईदी किस किस से मिलती है? ईदी सबसे ही मिलती है। सबसे मिलती देते हैं किसको? सिर्फ छोटी सिस्टर को। छोटी सिस्टर को, मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ। म्यूजिक मजे के सवाल ये जाना कि उनकी ईद की तैयारी कैसी जा रही है, कितनी तैयारी कर ली है और कितनी है बाकी, और यहाँ पर मार्केट में कितनी एक्साइटमेंट नजर आ रही है ईद से रिलेटेड, कितने लोग जो है वो एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। ये सब बातें कि हमने आज यहाँ के लोगों से आप तक शेयर भी की। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाजत और देखते रहे डेली धरती विद मी। अब मिलेंगे आपको एक नए मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।